आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है मुथु के सपने। मुथु एक छोटा सा बच्चा था। वह अपने माँ बाप भाई बहनों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हर सुबह उसके माता पिता खेत में काम करने चले जाते थे। उसके भाई जमींदार के पशुओं को चराने ले जाते थे और उसकी बहन जलाने के लिए लकड़ी बटोरने जंगल चली जाती थी। मुथू बिल्कुल अकेला पड़ जाता था, लेकिन मुथू कभी अकेला नहीं होता था। वह नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अजीब अजीब सा सपना देखता रहता था। जब उसे उड़ते हुए पंछी दिखाई देते तो कल्पना करता कि एक दिन वह भी उड़ने लगेगा। जब तालाब में किसी मछली को देखता तो सोचता कि किसी दिन पानी के अंदर जाकर वह खुद मछलियों को खेलते देख सकेगा। जब वह समुद्र की उठती हुई लहरों को देखता तो सोचता कि वह किसी दिन ऊंची उठती हुई फेनिल लहरों को पार कर लेगा और समुद्र के दूसरे छोर पर पहुंच जाएगा। और शाम को जब पूरा परिवार नीम के नीचे ठंडक में बैठा होता तो वह आकाश की तरफ ताकता रहता। जब वह चांद की तरफ देखता तो सोचता कि वह किसी दिन चांद को छू लेगा। मुथु ने एक दिन अपने सपने के बारे में पिता को बताया। पिता ने उत्तर दिया, लोग उड़ नहीं सकते, हम लोग पानी के अंदर नहीं रह सकते, हर समुद्र को पार नहीं कर सकते, वह सुबह फैला हुआ है और हम लोग चांद को छू नहीं सकते, इसलिए सपने देखना बंद कर दो और चुपचाप सो जाओ। मुथु ने अपने भाइयों को अपने सपनों की बात बताई। वे हंस दिए और कहा, हा हा, तुम तो हम लोगों की तरह तेजी से दौड़ भी नहीं सकते और उड़ना चाहते हो। फिर मुथु ने अपनी बहनों को अपने सपनों के बारे में बताया। सबसे बड़ी बहन ने कहा, मुथु, जब तुम उड़ना सीख लोगे मैं तुम्हारे साथ उड़ूंगी। सबसे छोटी बहन ने कहा, मुथु, जब तुम चांद तक पहुंच जाओगी तो मुझे भी बताना कि कैसे पहुंच जाता है। मझली बहन ने कहा, मुथु, मैं वैसे सपने क्यों नहीं देख पाती जैसे तुम देखते हो। फिर उस गांव में एक दिन एक आदमी आया। उसके पास एक झोला था, कुछ किताबें थीं। उसने बताया कि वह एक शिक्षक है। उसने अपने स्कूल वहीं नीम के नीचे खोल दिया, जिसके नीचे बैठकर मुथु सपने देखा करता था। शिक्षक ने कई नई नई बातें बताई। उसने पढ़ाना लिखाना, चित्र बनाना और गाना सिखाया। उसने मुथु और दूसरे बच्चों को तरह तरह की अद्भुत कहानियाँ सुनाई। मुथु को शिक्षक बहुत अच्छे लगते थे। उसने उन्हें अपने सपनों की बात बताई। शिक्षक ने उसकी बात बहुत गंभीरता से सुनी और कहा, तुम सचमुच उड़ सकते हो, भले ही तुम्हारे पंख नहीं है, हवाई जहाज तुम्हें बहुत ऊंचे ले जा सकता है, यहाँ पंछी भी नहीं पहुँच सकते। तुम्हारे पास मछलियों जैसे डेने नहीं है, लेकिन तुम पनडुब्बी के अंदर बैठकर पानी में बहुत गहरे तक जा सकते हो, जैसे सपने तुमने देखे हैं। और अगर तुम यह जानना चाहते हो कि समुद्र के उस पार क्या है, तो तुम बहुत बड़े समुद्री जहाज में बैठकर उस पार भी जा सकते हो और तुम्हें लहरों से डरना नहीं पड़ेगा। ओह, और चांद, एक समय था जब चांद हमारा बहुत दूर का सपना था, लेकिन मेरे नन्हे दोस्त, आदमी तो चांद को भी छू आया है। किसी दिन तुम गगरिन या राकेश शर्मा की तरह अंतरिक्ष यात्री बन सकते हो, तब तुम भी चांद को छू सकोगे।
मुथु ने सब कुछ सुना, उसका मन खुशी और आशा से भर गया। उसने सोचा कि वह बड़ा होकर हवाई जहाज उड़ाएगा, जहाजी बनेगा, खोजी बनेगा और अंतरिक्ष यात्री भी। या यह भी हो सकता है कि वह एक बुद्धिमान शिक्षक बने और अपने जैसे दूसरों बच्चों को बताए कि सपने सच हो सकते हैं।